हेलो एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चलने लग रही होगी। अभी तक जो हम कर चुके हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो देख चुके हैं, टेस्टिस ओवरी का स्ट्रक्चर जो है वो देख चुके हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे हुई वो हम देख चुके हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक आखिरी इवेंट आता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एंड इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो ये कि इम्प्लांटेशन कैसे हुई, तो थोड़ा हम उसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, फिर उसके बाद में जो है एक एक करके मैं थोड़ा सा बताऊंगा। बट थोड़ा सा पहले रिवाइंड कर लें कि हमने चैप्टर के बिगिनिंग में क्या कहा था। हमने कहा था कि जो मेल है वो स्पर्म देता है एंड जो फीमेल है वो एग देती है, दोनों के बीच मेटिंग होती है एंड जाइगोट बनता है। जो जाइगोट है उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो जो जाइगोट है वो आगे चल के अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड होता है, जैसे मोरूला बनता है, ब्लास्टूला बनता है, जैसे गैस्ट्रूला जो है वो बनता है, फिटस जो है वो बनता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस है जो फर्टिलाइजेशन के बाद में हुई। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि जाइगोट के बाद में मोरूला कहाँ पर बना, क्या होता है, ब्लास्टूला क्या होता है, गैस्ट्रूला क्या होता है, फिटस जो है वो क्या है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो पहले एक ऐसा डायग्राम बनाएं जिसके अंदर सारी इवेंट जो है वो इंक्लूड हो जाए। सो मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम के अंदर एक हमारा ऊपर से ये यूट्रस हो गया, यूट्रस से बाहर निकलती है फेलोपियन ट्यूब, और जो फेलोपियन ट्यूब है मैं उसको थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूं क्योंकि मेन जो इवेंट होने हैं वो इसी के अंदर होने हैं, जितने भी हमने अभी इसके अंदर लिखे थे। एंड इसके एंड में मैं अटैच कर देता हूं ओवरी को, ओवरी ओवरियन लिगामेंट के साथ में जुड़ी हुई होती है, तो ये ओवरियन लिगामेंट हो गया और ये यूट्रस के साथ में जुड़ी हुई है। एंड यहां पर मैं दिखा देता हूं कि ये एंडोमेट्रियम की लेयर है, ठीक है। तो दिस इज ओवरी, एंड ओवरी के पेरीफ्री के अंदर क्या बनने स्टार्ट होते हैं, फोलिकल। तो पहले प्राइमरी फोलिकल होता है, फिर उसके बाद में फोलिकल की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है, और जैसे जैसे फोलिकल की अलग अलग फॉर्म बनती है तो एक फॉर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि वो जो फॉर्म है वो है एक मैच्योर फोलिकल की, जिसको हम कहेंगे ग्राफियन फोलिकल। और जो ग्राफियन फोलिकल है उससे एग जो है बाहर निकलता है, यानी ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन 14th डे होता है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एलएच के अमाउंट जो है वहां पीक पे हो जाती है, तो ग्राफियन फोलिकल से एग निकलेगा। और जो फिम्ब्रे है वो उसको कैच करती है और कैच करने के बाद इंफंडिबुलम के अंदर जो है डाल देती है, तो अंदर जो गया वो एग है, और जो एग है वो आगे बढ़ता है एम्पुला इस्थेमस का जो जंक्शन है वहां तक पहुंचता है, एंड जब ये यहां पर पहुंचता है तो यहीं पर स्पर्म आ जाता है, और जो स्पर्म है उसके हेड पे जो एक्रोसोम प्रेजेंट है वो एक्रोसोमल रिएक्शन करता है। फिर उसके बाद में अलग अलग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है, जैसे कि कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद जो स्पर्म की एंट्री है वो होती है, फिर उसके बाद जो है कैरियोगैमी होती है एंड डेवलपमेंट जो है वो आगे बढ़ती है। तो अल्टीमेटली जो एग है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। लो जी, ये बन चुका है हमारा जाइगोट। अब इसके आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो जाइगोट है वो जो अभी बना है उसके चारों तरफ जोना पैलेसुडा भी प्रेजेंट है। जोना पैलेसुडा, अब ये सोचोगे कि जोना पैलेसुडा तो ब्रेक कर दी थी भाई, स्पर्म है कितना बड़ा, छोटा सा तो है ही, माइक्रोस्कोपिक, तो क्या कर देगा वो, छोटा सा होल बना के अंदर कर देगा। एंड फिर उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो हुई है, तो कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करेगा, जो जोना पैलेसुडा है उसको दोबारा से इंटैक्ट कर देगा, क्योंकि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो हार्डन कर देते हैं एग को, ताकि और ज्यादा स्पर्म जो है उसके अंदर ना आए, क्लियर है।
जो जाइगोट बना है वो जाइगोट सराउंडेड है जोना पेलासुडा से। अब जोना पेलासुडा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर जोना पेलासुडा नहीं होती तो इसकी इम्प्लांटेशन यहाँ पर भी हो सकती थी, तो जोना पेलासुडा इसको कहीं पे भी इम्प्लांटेड जो है वो नहीं होने देती। एंड जो सीलिएटेड एपिथीलियम है वो प्रोपेल करती है कि जो एग जो है, जो अब जाइगोट बन चुका है, वो आगे की तरफ बढ़े, आगे यानी इस डायरेक्शन पे, और आगे यहां पर क्या है, यूट्रस। तो यूट्रस तक जो है, यूट्रस तक जो है वो पहुंचे। तो ये यूट्रस तक जब जाएगा तो जो जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है दो सेल के अंदर। अब जो ये दो सेल है उसको कहते हैं ब्लास्टोमियर। अब जो ब्लास्टोमियर है, मियर यानी यूनिट, ब्लास्टो, ठीक है, तो यानी कि ब्लास्टोमियर्स यानी कि डिवीजन जो है वो स्टार्ट हुआ, और डिवीजन स्टार्ट होने के बाद दो सेल जो है वो बन गई। अब ये जो डिवीजन है उसको हम कहते हैं क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या है? क्लीवेज इज इक्वल टू माइटोसिस, बट एक ऐसी माइटोसिस है जिसके अंदर G1 और G2 फेज जो है वो अब्सेंट है, यानी माइनस कर दिया, माइटोसिस माइनस G1 फेज और G2 फेज। तो यानी साइटोप्लाज्म की ग्रोथ नहीं होती, न्यूक्लियस ग्रो होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम जो है डबल होते हैं, एंड फिर उसके बाद में सेल जो सेपरेट हो जाती है। आगे चल के यही दो सेल आगे चल के चार सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, और चार जो है फिर आगे चल के आठ सेल के अंदर जो है कन्वर्ट होती है। और जब ये इसके अंदर कन्वर्ट होती है तो एक बाल बन जाती है, एक सॉलिड बाल है। और जो ये सॉलिड बाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इसके बाद जो है कैविटी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जो ये सॉलिड बॉल है इसको हमने नाम दे रखा है मोरूला। मोरूला एक ऐसी स्टेज जिसमें 8 से 16 सेल जो है वो पाई जाती है, जो सॉलिड बॉल के जैसी जो है लगती है, अराउंड ये थर्ड डे पे जो है बन जाती है। एंड जब ये और आगे बढ़ता है तो नंबर ऑफ सेल जो है वो और इंक्रीज होती है। याद रहे ये अभी भी कवर्ड है किससे? जोना पेलासुडा से। पेलासुडा उसके बाद जो है इसकी स्ट्रक्चर में और ज्यादा चेंज आता है, और एक कैविटी जो है वो डेवलप होती है, और नंबर ऑफ सेल जो है एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं। जो नंबर ऑफ सेल एक जगह इकट्ठे हुए हैं उसको कहते हैं हम इनर सेल मास। इनर सेल मास जो कैविटी बनती है उस कैविटी को कह देते हैं ब्लास्टोसीन। एंड जो इसके चारों तरफ जो ये लेयर बनी हुई है उसको नाम दे देते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ये है ट्रोपोब्लास्ट। तो ट्रोपोब्लास्ट क्या हो गया? आउटर लेयर होगी, इसके अंदर एक कैविटी है जिसको ब्लास्टोसील कहने लग रहे हैं, और अंदर जो है इनर सेल मास जो है वो प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर है एज ए होल हम इसको कहते हैं ब्लास्टुला। जो ब्लास्टुला है वो कुछ एंजाइम रिलीज करती है, और जो एंजाइम रिलीज होते हैं उससे क्या होता है कि इसके अंदर के, इसको अंदर रखने वाली जो लेयर है यानी जो जोना पेलासुडा है वो ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन होने की वजह से जोना पेलासुडा अलग हो जाती है, एंड जो अंदर का जो जाइगोट जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आ चुका है वो जो है हैच आउट हो जाता है, बाहर जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट स्टेज हो गई, एक मोरूला जिसमें सॉलिड बॉल है, और दूसरा है ब्लास्टुला जो एक होलो बॉल है। बॉल है, खेलने वाली बॉल नहीं, समझने वाली बॉल है, क्योंकि डायग्राम इसका मिलता है बॉल के जैसा, तो इस वजह से मैं इसको बॉल कहने लग रहा हूं। जो ये होलो बॉल है यानी ब्लास्टुला है, जब ये यूट्रस तक आ जाती है तो इसके ऊपर की, यूट्रस की ऊपर की लेयर है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम के ऊपर जो ये सेल है वो कुछ विलाई जैसे स्ट्रक्चर जो है बनाने लग जाती है।
एंड जो ये लेयर है वो दो अलग अलग लेयर के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है, एक तो सिनसाइटो ट्रोपोब्लास्ट या फिर ट्रोपो एक्टोडर्म और दूसरा है साइटो, दूसरा है साइटो ट्रोपोब्लास्ट। ये एंजाइम रिलीज करती है जिससे क्या होता है कि यहां पर पिट सा बन जाता है और इस पिट के बनने की वजह से जो ऊपर का एम्ब्रियो है वो इसके अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद हम इसको कहते हैं कि ये है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन है एम्बेडेड होना एम्ब्रियो का एंडोमेट्रियम के अंदर। तो क्वेश्चन आ जाता है कि एम्ब्रियो किस स्टेज में एम्बेडेड होता है यूट्रस के अंदर, तो वो होता है ब्लास्टुला के अंदर। अब ब्लास्टुला और मोरुला के अंदर डिफरेंस आ जाता है, एक तो सेल नंबर का है, दूसरा स्ट्रक्चर का है। यहाँ पे 64 तक अगर पहुंच जाती है सेल का नंबर तो हम उसको कह देते हैं ब्लास्टुला, एंड 8 से 16 तक है तो उसको हम कह देते हैं कि वो जो है मोरुला है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी आगे की डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगी, तो मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि चीजें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आपको क्या याद रहना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। इनर सेल मास जो इनर सेल मास है उसकी दो लेयर बनती है, एक बनती है एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट और एक बनती है हाइपोब्लास्ट। तो यानी एक ऊपर की लेयर होगी एक नीचे की लेयर जो है वो बनती है। इस एपिब्लास्ट के अंदर डेवलप होता है एक प्रीमिटिव स्ट्रीक यानी एक ग्रू जो है वो डेवलप होता है, एंड उस ग्रू के बनने की वजह से लेट्स से ये एक लेयर थी, ये एक लेयर है और ये एक दूसरी लेयर है, तो इस लेयर के अंदर एक स्ट्रीक डेवलप हो गई। तो उस स्ट्रीक के डेवलप होने से क्या होता है कि यहां के जो सेल है वो माइग्रेट करके बीच में जाने लग जाते हैं, तो कुछ जो सेल है वो तो ऊपर रह गए और कुछ जो सेल है वो नीचे आ गए। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक के डेवलप होने की वजह से जो ये एपिब्लास्ट है उसके अंदर दो लेयर जो है वो बन जाती हैं, एक मेसोडर्म और एक एक्टोडर्म, जबकि जो हाइपोब्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है, कौन सी लेयर बच गई, एंडोडर्म में। तो इनर सेल मास का एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म तीन अलग अलग लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। एंड जो एम्ब्रियो होगा उसको कह देते हैं हम गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है? एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्री लेयर्स। अच्छा, जो ये तीन लेयर है उसी से कंप्लीटली हमारी बॉडी बनी है, जैसे कि एक्टोडर्म है उससे आगे चल के हमारा क्या बनेगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इसी से बना हुआ है, हमारी जो स्किन जो है वो इससे बनी हुई है, मेसोडर्म से हमारी जो मसल जो है वो बने हुए हैं, जो बीच में ग्लैंड है वो बने हैं, जैसे किडनी जो है वो बनी हुई है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो बना हुआ है, हमारा हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इससे बना हुआ है, एंडोडर्म जो है उससे हमारा गट बना हुआ है, तो जैसे टंग हो गया, हमारा जो इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, एंड इनके साथ साथ में जितने भी ऑर्गन जो है वो इससे मिलकर बने हुए हैं।
तो यानी कि हमारी जो कंप्लीट बॉडी है वो इन्हीं तीन लेयर से मिलकर जो है बनी हुई है, जो अल्टीमेटली किससे डेवलप हुई है, इनर सेल मास से। तो एक तो चीज हमें ये याद रखनी है, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाता है, गैस्ट्रुलेशन जो है इसके ऊपर भी आ जाता है, प्रिमिटिव स्टेज क्या है उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। जो ब्लास्टुला था उसमें एक तो अंदर की तरफ इनर सेल मास था और एक उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, प्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट या ट्रोपोएक्टोब्लास्ट जो है वो भी हम इसको कह देते हैं। ट्रोपोब्लास्ट जो है वो दो अलग लेयर में डिवाइड होता है, ठीक है, दो लेयर जो है वो बनती है, एक बनती है सोमेटो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये बाद में लेयर बना देगा, इसी तरीके से स्प्लैंकनो प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब ये जो लेयर है ये दूसरी लेयर के साथ में जुड़ करके, जैसे ये जो मीजोडर्म है अगर ये जुड़ जाती है किसके साथ में, ट्रोपोब्लास्ट के साथ में, ट्रोपोब्लास्ट के साथ में, ट्रोपोब्लास्ट अगर इसके ये बाहर प्रेजेंट है या ये इसके अंदर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से बन जाते हैं कोरियोम, और अगर ये अंदर की तरफ अगर बनी हुई हो तो उसकी वजह से बन जाती है एमनियोन। दो और लेयर बनती है, एक एलेंटोइस और एक बन जाती है हमारी योक सैक, और योक सैक के लिए मीजोडर्म जो है वो अलग से जुड़ जाती है, मीजोडर्म। तो मीजोडर्म जो है वो इंटरनल है, एंड ये जो है बाहर की तरफ होती है। तो अगर हम ये देखें तो कुछ अलग से लेयर बन जाती है जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो है वो भी कह देते हैं। कोरियोन का मेनली काम क्या होता है, एक्सचेंज का होता है, जैसे गैसेस एक्सचेंज करना या फिर न्यूट्रिशन एक्सचेंज करना। एमनियन का काम क्या है, बेबी जो है फ्लूड के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं, कि बेबी जो है उसको कोई चोट ना लगे। एलेंटोइस का काम क्या है, एलेंटोइस जो है जो ब्लड वेसल उसे फर्निशिंग करती है, वेस्ट वगैरह जो है उसको बाहर रिमूव करने का काम करती है। योक सैक क्या काम करता है, योक सैक जो स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करने में, सॉरी जो ब्लड की सेल जो है वो बनाने में जो है काम करता है। तो ये तो रिलेटिवली सिंपल फॉर्म जो है मैंने आपको बताई है, अगर इतना याद रख लोगे तो सफिशियंट है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी डायग्रामेटिकली मैं आपको अलग से दिखा दूंगा। होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, मैं इसकी एक्सटेंशन जो है एक और वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा। थैंक यू।